जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपसे भी लिए काफ़ी ज़बरदस्त MIUI की न्यूज़ लेके आया हूँ, जो आपसे भी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना MIUI के अपडेट्स की न्यूज़ के लिए। तो चलिए आज की जो वीडियो बिना देरी के हम लोग यहाँ पर शुरू। तो यहाँ पर अगर आप एक MIUI के पुराने यूज़र है, पुराने यूज़र से मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर MIUI वाला जो डिवाइस है MIUI 10 अगर आपने यूज़ किया, तो आपको उस समय की बात याद होगी, जमाना हो गया एक, तो हम इसको कह सकते हैं कि MIUI 10 तक Xiaomi की एक यहाँ पर अपडेट की पॉलिसी यहाँ पर चलती थी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उस अपडेट पॉलिसी में क्या होता था कि हर हफ्ते जो है यहाँ पर अपडेट को रिलीज करा जाता था, पर जैसे MIUI 11 की एंट्री हुई उसके बाद इस सिस्टम को कम्प्लीटली यहाँ पर हटा दिया गया। चाइना में तो अभी भी यहाँ पर लगभग ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर हर हफ्ते जो है या हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद डेवलपर प्रीव्यू देखने को मिलता है यहाँ पर चाइना के अंदर, बट इंडिया के लिए और ग्लोबल साइड में इस चीज़ को यहाँ पर हटा दिया गया, क्योंकि काफ़ी बुरी बात थी MIUI 10 के बाद। अब Xiaomi के इतने सारे डिवाइस हो चुके हैं कि वो लोग खुद कंफ्यूज है कि हम इस डिवाइस में पहले अपडेट दे कि इस डिवाइस में पहले अपडेट दे, किस किस में यहाँ पर हम लोग अपडेट दे, वो खुद यहाँ पर परेशान हुए पड़े कि उनको रेडमी में देना है, पोको में देना है, शाओमी में देना है, ब्लैक शार्क इनकी एक और कंपनी उसके अंदर भी अपडेट देना है। तो इतने ज़्यादा इनके डिवाइसेज हो चुके हैं ना कि खुद यहाँ पर परेशान हुए पड़े। इसी चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर चाइना के कम्युनिटी पेज के ऊपर एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस को जारी किया, जिसका नाम इन लोगों का कि MIUI सिस्टम वर्जन एडजस्टमेंट, ये इस चीज़ का नाम यहाँ पर रखा गया। इनकी नई अपडेट पॉलिसी यहाँ पर निकल के आ चुकी है शाओमी वालों की, कि इस अपडेट पॉलिसी का उन लोगों ने नाम रखा है MIUI सिस्टम अपडेट वर्जन। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा MIUI सिस्टम वर्जन एडजस्टमेंट, इसका पूरा नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफ़ी बड़ा नाम है यहाँ पर, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेन जो इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। इस नोटिस के अंदर वैसे सारा कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर अब क्या होगा कि आपको जो है Android 13 जब अपडेट यहाँ पर रोल आउट होने स्टार्ट होंगे। अभी क्या है कि Xiaomi वालों ने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है कि MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो देके एक बार साइड में कर दिया जाए बाकी सारे डिवाइसेज में। बाकी जब Android 13 जब यहाँ पर मिलने स्टार्ट होंगे ना, तो Xiaomi वाले ये करने वाले हैं कि यहाँ पर हर हफ्ते जो है आपको एक डेवलपर प्रीव्यू अपडेट मिलेगा, फिर बीटा अपडेट मिलेगा, फिर मंथ के एंड तक जो है यहाँ पर स्टेबल अपडेट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि 3 स्टेज में जो अपडेट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, और इस अपडेट के अंदर ना काफ़ी अच्छी चीज़ ये होगी कि मंडे और यहाँ पर थर्सडे को कि यहां पर डेवलपर प्रीव्यू अपडेट देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो है फ्राइडे को क्या होगा कि यहां पर आपको बीटा अपडेट देखने को मिला करेगा, ठीक है। और उसके मंथ के एंड तक जो है यहां पर क्या होगा कि स्टेबल अपडेट रिलीज करा जाएगा। इससे फायदा ये होगा, एक तो यहां पर Xiaomi वालों का कहना है कि हमें नए नए फीचर्स प्रोवाइड करने और अपने यूजर्स को जो है अपने तक ही सीमित रखना है कि ताकि हमारे MIUI को छोड़कर कहीं अदर UI की तरफ वो लोग शिफ्ट ना हुए। इसलिए Xiaomi वाले भी अब इस चीज को समझ चुके हैं, ये चीज पहले ही समझ चुके होते, इस चीज को हटाते ही ना तो आज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो ना होती Xiaomi वालों, तुम्हें खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के यहाँ पर दोबारा आए हो। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम यहाँ पर अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से कायम कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम लोगों के लिए Xiaomi वालों। और इस चीज़ को अगर सही तरीके से नहीं अपनाते हो इंडिया के अंदर खासकर, तो यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर Xiaomi वालों का ये कहना है कि हम ये जो अपडेट जो रिलीज़ करेंगे ये Android 13 के बाद से ये शेड्यूल स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है कि Android 12 तक सभी में जैसे अपडेट मिलते आ रहे हैं अभी, उसी तरह अपडेट दे के यहाँ पर साइड में कर देंगे, और जब Android 13 का जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अभी इनकी Xiaomi 12 Pro सीरीज जो लॉन्च हुई है ना, उसके अंदर ऐसा ही होगा कि वहाँ पर पहले डेवलपर अब प्रीव्यू जाएगा, फिर उसके बाद बीटा अपडेट, और फिर उसके बाद जो है मंथ के एंड तक जो है स्टेबल बीटा देखने को मिलेगा। काफ़ी एक अच्छी बात है कि हमें ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है Xiaomi की तरफ से। यहाँ पर थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा तभी हम लोग को अच्छी तरीके से और जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है चाइना की कम्युनिटी पेज के ऊपर इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है Xiaomi वालों की तरफ से। तो अब देखते हैं किस तरह ये लोग करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने साफ साफ बोला है कि यहाँ पर मंडे और थर्सडे को जो है यहाँ पर डेवलपर प्रीव्यू हो जाएगा, और फ्राइडे को होगा यहाँ पर हर हफ्ते जो कि एक बीटा अपडेट जाएगा, और ये सारा चीज़ अपडेट बिल्कुल सही रहा तो मंथ के एंड तक जो स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। ये काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये सिस्टम पहले भी चलता था यहाँ पर, अगर आपको पता होगा MIUI 9, MIUI 8 और MIUI 10 तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। वहाँ पर भी MIUI 10 के टाइम में जो है यहाँ पर हर हफ्ते जो अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये लोग कितनी जल्दी करते हैं और ये इस चीज़ को कितनी जल्दी यहाँ पर कायम करते हैं। फिलहाल तो यही एक अच्छी न्यूज़ है, अभी जल्द से जल्द इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दें यहाँ पर इंडिया के अंदर, ग्लोबल के अंदर भी, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बाकी अदर न्यूज़ को ये आएगी Xiaomi के न्यू अपडेट पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन आई है कि ये लोग अपडेट पॉलिसी को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और हर हफ्ते जो अपडेट देने की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा ये खड़े उतरते हैं। बस इतना था आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।